मन चंगा तो कटौती में गंगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप इस कहावत को सुनते होंगे तो आपको संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की याद आ जाती होगी। भारत की धरती पर यूं तो कई महान संतों ने जन्म लिया है, जिनमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का भी नाम शामिल है। संत गुरु रविदास जी महान संत थे, जिन्होंने प्रेम और सौहार्द का पाठ पढ़ाया। रविदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज से जातिगत भेदभाव दूर करने और समाज सुधार व समाज कल्याण के कार्यों में समर्पित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि रविदास जी का जन्म माघ माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष माघ माह की पूर्णिमा के दिन रविदास जी के सम्मान में इनके जन्मदिन के रूप में गुरु रविदास जयंती को मनाया जाता है। और इस दिन जगह जगह पर झांकियां निकाली जाती हैं, लोग गंगा स्नान करते हैं और साथ ही गुरु रविदास जी की प्रेरणाओं को याद करते हैं। रविदास जी की शिक्षाएं विशेषकर रविदास समुदाय को बहुत प्रभावित करती हैं और वे जाति पंथ या लिंग की परवाह किए बगैर सभी लोगों की समानता में विश्वास करते हैं। कहा जाना चाहिए कि संत शिरोमणि गुरु रविदास केवल एक विशेष समुदाय या समूह के ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने भक्ति पर बल दिया परंतु अपने कर्म को प्रधान कहा। वे केवल एक संत ही नहीं अपितु एक महामानव थे, इसीलिए शायद उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया है।